बाराबंकी में रेलवे स्टेशन के पास मुरारपुर स्थित हिंद महाविद्यालय में संत रामपाल के उपदेशों को एलसीडी के जरिए सुनाया गया। इस सत्संग में बड़ी संख्या में उनके भक्त उपस्थित थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने भक्तों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने और विवाह में दहेज के बहिष्कार करने की शपथ दिलवाई। आज सिखी समाज होते हुए भी वो ऐसी अग्नि में जलता जा रहा है और दिख भी रहा है कि आने वाले समय में मानवता पूरी खत्म हो चुकी है। तो ये सत्संग समागम के माध्यम से आज जितने भी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनके आधार पर ये संत रामपाल जी महाराज सदगुरु हमारे जो है वो इस ज्ञान के सारे ग्रंथ सदग्रंथों के सारे धर्म के ग्रंथों के आधार पर हमें उन्होंने ज्ञान कराया कि हम अलग नहीं है, हम द्वितीय नहीं है, हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यानी कि हमारे लिए कोई द्वितीय नहीं, सभी हमारे अपने हैं और सभी ग्रंथों में इसका प्रमाण भी है। आज खुद भी सारे धर्म के ग्रंथों को हमें पढ़ाया कि ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई है। बाराबंकी के सैदखानपुर इलाके के पास ट्रेन से गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। मामला बाराबंकी के कोतवाली